गाइज माय नेम इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग रसलर्स 360। तो कल 21 मार्च को मंडे नाइट रो लाइव आएगा, जहां पर काफी टाइम बाद हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ चैंपियन ऑफ ऑल चैंपियन रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे। एंड WWE एडवर्टाइज कर रही है कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन मंडे नाइट रो में आकर कोडी रूट्स को कन्फ्रंट करेंगे, जिसके चलते ट्राइबल चीफ रोमन रेंस खुद ने ट्वीट करके लिखा है, ST लुइस योर ट्राइबल चीफ एंड द ब्लड लाइन आर अबाउट टू टेक ओवर योर सिटी, प्रिपेयर टू एक्नोलेज ग्रेटनेस #WWE Raw। यानी रोमन रेंस ने यहां पर अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि वो मंडे नाइट रो में आ रहे हैं, तो एक्नोलेजमेंट के लिए तैयार रहना। बाकी दोस्तों देखना होगा कोडी रूड्स एंड रोमन रेंस मंडे नाइट रो में जब फेस टू फेस होते हैं तो माहौल कैसा होता है, ऑडियंस किसको सपोर्ट करती है। बाकी कोडी रूड्स को करेगी, लेकिन इसी के साथ जे उसो एंड रोमन रेंस का ड्रामा हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज जे उसो फाइनली ब्लड लाइन में वापस आ चुके हैं सेमी जेन के साथ ब्राउल करके, सेमी जेन पर अटैक करके। तो देखना होगा रोमन रेंस जे उसो के रीयूनियन पर किस तरह रिएक्शन देते हैं। बाकी कुल मिलाकर रोमन रेंस का रिटर्न मंडे नाइट रो में सबसे बेस्ट होने वाला है। इसी के साथ मंडे नाइट रो में ऑस्टिन थ्योरी एंड मोंटेज फोर्ड का सिंगल मैच होगा। अब लास्ट वीक मोंटेज फोर्ड के पार्टनर एंजेलो डॉकिंस पर थ्योरी ने मैच के बाद अटैक करा था, उन्हें STF लगाया था, एंड इसीलिए उसका रिवेंज लेने के लिए मोंटेज फोर्ड कल 1-on-1 सिंगल मैच में इन एक्शन होंगे अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। इसी के साथ मंडे नाइट रो में लोगन पॉल का इंप्लसिव टीवी सेगमेंट होगा, जहां पर सेथ फ्रीकिन रोलिंस उन्हें इंटरप्ट करेंगे। इसी के साथ इस इंप्लसिव टीवी सेगमेंट में द मिज का बड़ा रोल हमें देखने को मिलेगा, तो देखना होगा ये इंप्लसिव टीवी का सेगमेंट सेथ रोलिंस किस तरह से क्रेश करते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल ये 3 सेगमेंट मंडे नाइट रो के लिए कन्फर्म हुए हैं। बाकी देखना होगा बॉबी लेसली की सिचुएशन मंडे नाइट रो में क्या रहती है, ब्रे वाइट एंड उनका मैच लगभग कैंसल हो चुका है, तो देखना होगा बॉबी लेसली का रसलमेनिया में अगला अपोनेंट कौन होता है, किसके साथ बॉबी लेसली रसलमेनिया में रसल करेंगे। एंड इसी के साथ लास्ट वीक ओमास ने ब्रॉक लेसनर को रिंग से आउट कर दिया, एंड फर्स्ट टाइम एवर ब्रॉक लेसनर डरे हुए फियर में दिखाई दिए, तो देखना होगा ब्रॉक लेसनर एंड ओमास का सेगमेंट कल मंडे नाइट रो में होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या इस टाइम ब्रॉक लेसनर ओमास को डाउन कर पाएंगे या नहीं, यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बस ये कुछ मेन सेगमेंट है जो मंडे नाइट रो में होने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अपनी एक्साइटमेंट रोमन रेंस के रो रिटर्न पर कमेंट करके बता दो, वैसे आप लोग कमेंट तो नहीं करोगे। बाकी गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, देखना होगा और मंडे नाइट रो में क्या कुछ होता है। लेकिन एक जरूरी अनाउंसमेंट है, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक ब्लॉग का चैनल क्रिएट करा है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं। जो आज वाला ब्लॉग है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज यार क्लिक करो एंड उस चैनल को चेकआउट कर लो। अगर आप डेली ब्लॉग देखना पसंद करती हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन फ्यूचर मजेदार ब्लॉग्स आपको उस चैनल पर देखने को मिलेंगे, एंड एक तरह से फेस रिवील उस चैनल पर हो जाएगा, तो वहां पर जाके उस ब्लॉग को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को फॉर डेली इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट तो करना ही है, वैसे नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लो, रसलिंग की अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेगी। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू शुड रन।